नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है NTA NET दिसंबर 2019 का जो पेपर है वो मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा रहा हूँ विद इजी लैंग्वेज में, जिसके 39 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली 6 वीडियो में। तो जिसने नहीं सुना है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी सुन ले। और इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर नेटवर्क के आए हुए हैं उस क्वेश्चन में, तो उनको मैं लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा पूरी नॉलेज के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बैंडविड्थ से रिलेटेड आया हुआ नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नेटवर्क है उसके अंदर बैंडविड्थ दी हुई है। बैंडविड्थ क्या दी हुई है? 10 Mbps। उसको हम पास करेंगे एवरेज ऑफ 12,000 फ्रेम पर मिनट। ये ध्यान रखना, पर मिनट दिया हुआ है। 12,000 फ्रेम पर मिनट हम पास कर रहे हैं, और हर एक फ्रेम का जो साइज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10,000 बिट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट इज द थ्रोपुट, क्वेश्चन में जो मेंशन है, जो पूछा हुआ है, वो ये पूछा हुआ है कि इसका थ्रोपुट क्या होगी। तो देखिए, क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, बैंडविड्थ जो दिया हुआ है उसको मैं, जो जो गिवन है इनपुट, बैंडविड्थ गिवन है, तो बैंडविड्थ है हमारी कितनी है? 10 Mbps, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जो 12,000 हमें दिया हुआ है फ्रेम्स पर मिनट, तो पर मिनट फ्रेम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12,000, और हर एक फ्रेम का जो साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ईच फ्रेम, हर एक जो फ्रेम है वो, उसकी जो बिट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 10,000। तो अब क्वेश्चन को मैंने सब कुछ लिख लिया है, थ्रोपुट का मतलब समझते हैं। थ्रोपुट का मतलब होता है कि हाउ मेनी फ्रेम्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, मगर आंसर जो हमें निकालना है वो बीपीएस की फॉर्म में निकालना है, मतलब बिट पर सेकेंड। तो हर एक को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट को कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेम कितने हैं? 12,000 फ्रेम है, इनटू में हर एक फ्रेम का साइज कितना है? 10,000, क्लियर। और ये जो दिया हुआ है ये सब कुछ किस में है? पर मिनट, दैट इज द थ्रोपुट, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम इनटू में हर एक फ्रेम का साइज है 10,000, ठीक है। तो इतना हमारी बिट की रिक्वायरमेंट होगी डिवाइड बाय सॉरी दैट इज पर मिनट। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, दैट मीन 60 से डिवाइड कर देंगे, 12,000 इनटू में 10,000 डिवाइड बाय 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से यहां पर 2 कैंसिल, तो टोटल कितनी जीरो है यहां पर बच गई? 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, तो टोटल 6 जीरो आ गई और 2 यहां पर बचा हुआ है। तो ये जो रिजल्ट आ गया ये किस में आ गया है? आपका सेकंड्स में, मतलब बिट पर सेकंड। तो आंसर मैच कर रहा है हमारा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो लेके आ रहा हूं वो सेकंड क्वेश्चन, और यू कैन से सीरीज के अकॉर्डिंग ये 41 क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अलग अलग टर्म दी हुई है जो कि क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो है मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो चीज, कहते हैं ना कि कोई चीज इतनी कॉन्फिडेंट है कि किसी दूसरे पर्सन को पता ना चले, मतलब सिर्फ उसी को पता है जो भेज रहा है और जिसको भेजना है, सिर्फ उन्हीं को पता चले। कई चीजें ऐसी होती है कि मान के चलिए अपॉइंटमेंट लेटर या आपका कोई चेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल वो डाटा सेंड करते हैं। सेम ईयर इन कंप्यूटर भी इसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी को बोलते हैं, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो इसको कैसे हम देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है? देखिए यहां पर दिया हुआ है, मींस दैट सेंडर एंड द रिसीवर एक्सेप्ट प्राइवेसी। बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं, जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों के दोनों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब प्राइवेसी है। प्राइवेसी का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता है, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल का मतलब बता रहा है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइवेसी के साथ है। दूसरा है मैसेज इंटीग्रिटी। मैसेज इंटीग्रिटी यहां पर क्या दिया हुआ है, डाटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज दे वर सेंड।
तो ध्यान रखना, मैसेज इंटीग्रिटी का मतलब भी यही होता है कि जो सेंडर ने भेजा है रिसीवर को, एग्जैक्टली वही डाटा उसको मिलना चाहिए, उसमें कोई भी बिट चेंज नहीं होनी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मैसेज इंटीग्रिटी। ठीक है, बिल्कुल, ये सेकेंड टर्म भी करेक्ट है। थर्ड इसने बोला हुआ है मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स द रिसीवर इज एंश्योर दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द इंटेंडेड सेंडर। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिसीवर है वो एंश्योर हो जाए कि जो डाटा उसको मिल रहा है वो डेफिनेटली उसी डाटा से, उसी सेंडर से मिल रहा है जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि कई बार होता है कि आपके पास मैसेज आता है मोबाइल के अंदर कि इस तरह से एक बोनस मिला हुआ है, इस तरह से एक आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें हम 25,000 क्रेडिट कर रहे हैं, और होता क्या है वो एग्जैक्टली वो डेबिट होता है। तो कहने का मतलब है कि वो बेसिकली कुछ अनऑथराइज पर्सन होते हैं जो एक्सेस करते हैं। तो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, मतलब ऑथराइज सेंडर होना चाहिए, जो कि रिसीवर को पता चल जाए कि ये जो मैसेज आ रहा है वो बिल्कुल उसी सेंडर से आ रहा है जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द दीज थ्री टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं एज इट इज वही लेके आ रहा हूं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज के अकॉर्डिंग 42 और इस वीडियो के अकॉर्डिंग थर्ड। तो यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है एक पिकोनेट। पिकोनेट बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग की एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं। दैट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का एक बेसिक यूनिट होती है पिकोनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें दो मोड होते हैं, एक मास्टर मोड, मास्टर नोड होते हैं और एक्टिव स्लेव नोड्स होते हैं। देखिए, आपने डीएलडी के अंदर कंसेप्ट करा होगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, उसी टाइप का जस्ट ये है। मास्टर का मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक सर्वर है और बाकी क्लाइंट्स है। मास्टर जो है वो क्या होगा, बेसिकली मास्टर को आप मान सकते हो सर्वर, ठीक है, और जो स्लेव है उसको आप मान सकते हो क्लाइंट। क्लियर? तो मास्टर स्लेव का मतलब है सर्वर क्लाइंट या क्लाइंट सर्वर, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो। तो मैं आपको यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं, पिकोनेट बेसिकली क्या होता है, एक ही मास्टर नोड होता है और उसके अलावा यहां पर ये कहता है स्लेव मोड, एस का मतलब है स्लेव मोड। तो टोटल कितने स्लेव मोड हो सकते हैं पिकोनेट के अंदर, वो हो सकते हैं आपके 7, मैक्सिमम 7 पिकोनेट के स्लेव नोड्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक मास्टर नोड होगा। दैट इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द पिकोनेट। ठीक है, तो 1 मास्टर होगा और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7, 7 एक्टिव स्लेव नोड्स हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1,7, क्योंकि पहले में 1 आ जाएगा और दूसरे में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लूटूथ का ही ये बेसिक यूनिट है, बेसिकली ब्लूटूथ की टाइप की से ही हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीईएस और एईएस दो अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, ठीक है, तो डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर पूछा हुआ है कि डीईएस के अंदर हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो 4 स्टेप में परफॉर्म होता है, तो उसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा उन 4 स्टेप का वो क्या होगा। ये 4 ऑप्शन इस तरह से इसने बना रखा है, पहला एक्सपेंशन, फिर एसबॉक्स, फिर एक्सोर ऑपरेशन, फिर स्टेट परमिशन परम्यूटेशन। तो इसके लिए डियर आपको थोड़ा सा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का फ्लो चार्ट जो है वो पता होना चाहिए, मतलब कैसे वो वर्क करता है, वो चीज आपको ऑर्डरिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन में बनाया हुआ है, वो देख सकते हो आप। तो एक्सप्लेनेशन में यहां पर आपको मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं और इसकी ऑर्डरिंग देख रहे हैं। तो देखिए, यहां पर इन होता है 32 बिट, यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं हम 32 बिट के बाद एक्सपेंशन पी बॉक्स यूज करता है, सबसे पहले होता है एक्सपेंशन पी बॉक्स, फिर ये 32 बिट जो है ट्रांसफर हो जाता है 48 बिट में, तो इनपुट, और यहां पर दोनों ये जो K1 है, K1 जो बेसिकली बिट है, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो रिजल्ट भी आपका 48 बिट में आएगा।
फिर उसके बाद ये एक्सबॉक्स में जाता है, एक्सबॉक्स वापिस 48 बिट को 32 बिट में कन्वर्ट कर देता है, देन ये 32 बिट स्टेट पी बॉक्स में जाती है और रिजल्ट में आ जाती है 32 बिट, ये आउट की फॉर्म में, रिजल्ट की फॉर्म में परफॉर्म हो जाता है। दिस इज द बेसिकली जो ये डायग्राम है ये ऑर्डरिंग बताता है कि किस किस तरह से DES परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले एक्सपेंशन पी बॉक्स है, फिर एक्सोर ऑपरेशन है, फिर एस बॉक्स है, ये दीज आर द एस बॉक्सेस, क्लियर, और देन फाइनली स्टेट पी बॉक्स है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, एक्सपेंशन परम्यूटेशन, एस बॉक्स, एक्सोर ऑपरेशन, स्टेट परम्यूटेशन, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। दूसरा देख सकते हो एक्सोर ऑपरेशन, पहले एक्सपेंशन था फिर एक्सोर फिर एस बॉक्स, तो यहां पर तो एस बॉक्स, हाँ बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सपेंशन परम्यूटेशन के बाद एस बॉक्स आया हुआ है, मगर एक्सपेंशन के बाद हमारा क्या है, पहले एक्सोर ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद एक्सोर ऑपरेशन है, फिर एक्सोर के बाद एस बॉक्स है, एस बॉक्स के बाद स्टेट परम्यूटेशन है। ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्टेट परम्यूटेशन पहला स्टेप, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लास्ट स्टेप होता है, ये तो स्टेट परम्यूटेशन पहला स्टेप, ये तो लास्ट स्टेप होता है, तो ये भी गलत। ए सी एंड डी ऑल दीज आर द इनकरेक्ट, ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फुल फॉर्म पूछी हुई है, फुल फॉर्म पूछी हुई है हमारी आई सी ए डबल एन, ये जो टर्म है आई सी ए डबल एन, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये कॉरपोरेशन है, इंटरनेट कॉरपोरेशन, जो कि हम यूज करते हैं फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, आई सी ए एन एन। दूसरा देखिए, नेम्स एंड नेम्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद है नेम्स एंड नंबर, तो ठीक है, इंटरनेट की जगह यहाँ इंस्टीट्यूट वर्ड यूज कर लिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए, कॉरपोरेशन की जगह कनेक्शन यूज कर लिया है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ये होता क्या है बेसिकली, इसका मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कॉरपोरेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम मेंटेनेंस एंड डेटाबेसिस को हेल्ड करने के लिए, रिलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये एक सेंट्रल इंटरनेट एड्रेस पूल होता है एंड डीएनएस रूट जोन होता है, उसको असाइन करने के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से अप्रूव करने के लिए हम ये नंबर यूज करते हैं, आई सी ए डबल एन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 45th अकॉर्डिंग टू सीरीज। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है ये। यहां पर देखिए, सबनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहां पर क्या दिया हुआ है। एक सबनेट दिया हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है 720 राउटर्स, मैं इसको मार्क कर रहा हूं। यहां पर पूछा हुआ है थ्री लेवल हायरार्की आपने यूज की, चूज की है, और उसके अंदर थ्री लेवल का मतलब क्या है, 8 क्लस्टर है, 8 तो क्लस्टर है, और हर एक क्लस्टर में 9 रीजन है, और 9 रीजन, हर एक रीजन के अंदर 10 राउटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितनी रिक्वायर होगी हमें हर एक राउटर के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नेट के अंदर, दिसंबर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं एक बार। यहां पर राउटिंग टेबल के अंदर हम थ्री लेवल यूज करेंगे, फर्स्ट लेवल के अंदर कैसे अब ये परफॉर्म होगा। फर्स्ट लेवल के अंदर सबसे पहले जितने भी राउटर्स है, राउटर कौन कितने हैं, यहाँ पर टोटल राउटर है 10 राउटर, तो 10 के 10 राउटर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो जितने भी राउटर्स है, हर एक राउटर को हम परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे हर एक रीजन के लिए, तो टोटल कितनी एंट्री की जरूरत पड़ेगी हमें, 10 एंट्री की। 10 राउटर है, जितने भी राउटर है उतनी ही हमें एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल को डिफाइन करने के लिए हर एक एंट्री, देखिए 10 एंट्री टोटल यूज करनी पड़ रही है हमें फर्स्ट लेवल में, हर एक एंट्री दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूड फॉर द रीजन। देखिए ये पहला मैं यूज कर रहा हूँ राउटर के लिए फर्स्ट लेवल, दूसरा हम यूज करेंगे रीजन,
रीजन के लिए, ठीक है। तो रीजन में सेकंड लेवल जो यूज करेगा, जितने भी रीजन होंगे उसमें हमेशा ध्यान रखना माइनस वन करते हैं हम, जितने भी रीजन होते हैं उसको वो अपने आप अपने रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन को इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल रीजन कितने दे रखे हैं, 9 रीजन। तो हमें कितनी एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, एक कम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 9 एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, सॉरी 9 रीजन है तो एक कम 8 एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड हमारा होता है क्लस्टर, इसने 3 लेवल दे रखे हैं, तीसरा है क्लस्टर। तो थर्ड लेवल, थर्ड लेवल को डिफाइन करने के लिए टोटल क्लस्टर कितने दे रखे हैं, 8 क्लस्टर। सेम ईयर हर एक क्लस्टर अपने आप को छोड़ के बाकी सबको रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स टोटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 7 एंट्री की, ठीक है। तो इसका अगर हम सम कर दें, 10 + 8 + 7 दैट इज इक्वल टू 25। तो टोटल एंट्री कितनी आ जाएगी, जो हमें हर एक राउटर के लिए चाहिए वो कितनी एंट्री चाहिए, 25। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका शॉर्टकट भी है, इसको शॉर्टकट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्टकट जो है इसका साइज, जब कभी भी हमें टोटल एंट्री निकालनी है हर एक राउटर के लिए, तो मिनिमम एंट्री कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसका सिंपल सा शॉर्टकट है, सबसे पहले जितने भी राउटर दे रखे हैं प्लस रीजन माइनस वन, जितने रीजन दे रखे हैं उसमें एक कम कर दो प्लस, ठीक है, जितने क्लस्टर दे रखे हैं उसमें एक कम कर दो। तो दिस इज द फॉर्मूला, बेसिकली दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द, यू कैन से, नंबर ऑफ एंट्री फॉर ईच राउटर। तो राउटर कितने हैं यहाँ पर, 10 है, प्लस रीजन कितने हैं, 9, उसमें से एक कम कर दिया तो 8, क्लस्टर कितने हैं, 8 माइनस 1 इज 7, तो दैट इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जिस तरह से आपको याद रहे उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जो कि नेटवर्क के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट टाइम, 10 क्वेश्चंस, पूरे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर रहा हूं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है, तीनों में ये पूछा हुआ है कौन सी करेक्ट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका अनगाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया, दो टाइप के आपके ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, उसको उस पे से क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल इज मच लाइटर देन द कॉपर केबल, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वो लाइट होती है कॉपर केबल से। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिकल केबल इज नॉट अफेक्टेड बाय पावर सर्जेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। फाइबर ऑप्टिकल केबल से जो होती है हमारी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता इस तरह का, पावर सर्जेस हो जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कुछ डिस्टरबेंस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से आ रही है या पावर सर्जेस की वजह से आ रही है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल में, क्योंकि उसका जो बाहर का पार्ट होता है वो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि उसका कोई इफेक्ट ना हो, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल हम जनरली इस तरह इसलिए यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इज इनहेरेंटली बाई डायरेक्शनल। बेसिकली ऑप्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो बाई डायरेक्शनल ना होके ओमनी डायरेक्शनल शेप में होती है, तो ये हमारी फॉल्स है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन में पूछा हुआ है करेक्ट, तो ए एंड बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, दैट इज द ए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है समझने के लिए, मगर मे बी आपको थोड़ा सा डाउट हो इसमें तो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर क्लासेस के ऊपर आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस हैज द लास्ट एड्रेस, देखिए लास्ट एड्रेस पूछा हुआ है। तो क्लास होती है आपकी, क्लास जो क्लासेस में हम डिवाइड कर देते हैं आईपी एड्रेसेस को, क्लास ए होती है जिसकी रेंज होती है आपकी, क्या रेंज होती है, 0 से 127। तो इसका अगर हम देखें तो क्या होगा, स्टार्टिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस होता है 0000 से लेके 127.255.255.255।
मतलब फर्स्ट एड्रेस अगर आए तो ये आएगा, लास्ट एड्रेस आए क्लास ए के लिए तो ये आएगा। नेक्स्ट होता है क्लास बी। क्लास बी की जो रेंज होती है वो 128 से 191 होती है। तो इसको अगर मैं देखूँ 128 से 0 टू 191.255, 0.255, 0.255, तो ये हमारा इस टाइप से रेंजेस डिफाइन होती है। नेक्स्ट होता है क्लास सी। क्लास सी की जो रेंज होती है 192 से 223 होती है। तो 192.0.0.0 से लेके 223.255, 0.255 एंड 0.255, ये रेंज होती है हमारी क्लास सी की। नेक्स्ट होती है हमारी क्लास डी। पांच क्लास होती है हमारी 224 से लेके 239। तो 224.0.0.0 से लेके 239.255, 0.255, 0.255, ये रेंज आ जाएगी हमारी। और लास्ट क्लास होती है क्लास ई। तो इसकी रेंज होती है 240 से लेके 255। तो अगर हम देखें 240.0.0.0 से लेके 255, 255 लास्ट है ये, तो 255। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे और फाइनली आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो लास्ट एड्रेस अगर हम देखें इसका, इस वाले टर्म का, तो वो क्या आ रहा है, दिस वन। लास्ट एड्रेस देखें यहाँ पर, हर एक क्लास का मैंने लास्ट एड्रेस बना दिया है। तो ये कौन सी क्लास में बिलोंग कर रहा है, सी क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 48, और सीरीज के अकॉर्डिंग 48 है, बेसिकली नाइन्थ क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इजी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ओएसआई लेयर मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी करेक्ट पता है, मैचिंग अगर करेक्ट पता है, तो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, तो देखिए फिजिकल लेयर, सबसे लोवेस्ट जो लो लेवल पे होती है वो फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर बेसिकली किस लिए यूज करते हैं हम, बिट ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं, बिट ट्रांसमिशन के लिए। तो अगर आप देखो यहाँ पर बिट ट्रांसमिशन कहाँ लिखा हुआ है, रो बिट ट्रांसमिटिंग, तो ए जो है वो सेकंड से मैच कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर हम यूज करते हैं, फोर्थ लेयर होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो फोर्थ लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली एंड टू एंड कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो बी जो है वो किससे मैच कर रहा है, फोर्थ से। तो दो मैचिंग अगर आपको पता चल जाए तो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आंसर आइडिया पता चल जाता है। तो यहां पर देखें बी फोर्थ से मैच कर रहा है, बी फोर्थ यहां है, बी फोर्थ यहां पर है, और ए सेकेंड से मैच कर रहा है, ए सेकेंड यहां भी है, यहां भी है। तो दो ऑप्शन हमें थोड़ा सा बिल्कुल करेक्ट वे में मिल रहे हैं, बी और डी इनकरेक्ट मिल चुके हैं। तो इस तरह से मैचिंग में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो, कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगा आंसर अगर आप एलिमिनेट करके चलोगे तो। ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो मैचिंग वाला, तो उसमें हमेशा एलिमिनेट किया करो। ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन लेयर। बेसिकली सेशन, सेशन का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ सेशन होगा, टाइम होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन में होता क्या है, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो सेशन बेसिकली कहां पर यूज करते हैं हम, टोकन मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं सेशन लेयर। तो सी जो है फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो यहां पर सी फर्स्ट से मैच कर रहा है, सी थर्ड है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास राइट आंसर मिल चुका है सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगर आप देखो तो लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहां पर पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड बाय एन एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूजिंग इन क्रिप्टोग्राफी। देखिए एनक्रिप्शन एल्गोरिथम किस लिए यूज करते हैं हम, एनक्रिप्शन में मैसेज होता है, उस मैसेज को रीड ना करे, तो यहां पर ये प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, इस मैसेज को विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन ये क्या कर देता है, साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो यहां पर अगर आप देखो तो एनक्रिप्शन के अंदर हम की भी यूज करते हैं, तो की हेल्प से प्लेन टेक्स्ट को कहां चेंज कर रहा है, ये साइफर टेक्स्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर आप देखो यहां पर
ये कह रहा है कि कौन सी चीज, कौन सा ऐसी चीज है जिसको हम यूज नहीं करेंगे क्रिप्टोग्राफी में, नॉट नीडेड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो की तो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, तो ये तो नहीं होगा। मैसेज भी है हमें रिक्वायरमेंट, साइफर टेक्स्ट भी यहाँ पर एनक्रिप्शन में यूज करता है, मगर यूजर डिटेल ये कभी भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमें नीडेड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, की मैसेज और साइबर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट भी होता मान लो यहां पर, तो प्लेन टेक्स्ट भी हमारा क्या हो जाता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में प्लेन टेक्स्ट भी हमारा करेक्ट नहीं होता। तो यूजर डिटेल जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, नीडेड नहीं होता है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर एनक्रिप्शन में, ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क के आए हुए थे सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कराए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।